हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग ग्रेडियंट डिसेंट पढ़ रहे हैं और ग्रेडियंट डिसेंट में हम लोग टाइप्स ऑफ ग्रेडियंट डिसेंट पढ़ रहे थे। हमने लास्ट वीडियो में जो सबसे वेनिला ग्रेडियंट डिसेंट होता है वो पढ़ा, बैच ग्रेडियंट डिसेंट। और हम लोग आज पढ़ेंगे स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट, जो शायद सबसे ज़्यादा यूज होने वाला ग्रेडियंट डिसेंट है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। सो बिफोर स्टार्टिंग द डिस्कशन, आई वुड लाइक टू टेल यू कि बैच ग्रेडियंट डिसेंट में क्या प्रॉब्लम था जिसकी वजह से हमें एक दूसरे टाइप ऑफ ग्रेडियंट डिसेंट का जरूरत पड़ा। ठीक है, सो अगर आपको याद होगा, हमने देखा था कि आपको अगर बैच ग्रेडियंट डिसेंट के कोफिशियंट्स को कैलकुलेट करना है तो आपको हर पर्टिकुलर कोफिशियंट के रिस्पेक्ट में लॉस फंक्शन का डेरिवेटिव कैलकुलेट करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पर यू कैन सी कि अगर आपको डीएल बाय डी बीटा वन निकालना है तो दिस इज द डेरिवेटिव। ठीक है, अब अगर आप इस डेरिवेटिव के ऊपर थोड़ा फोकस करो तो ये डेरिवेटिव में एक समेशन है, लाइक देयर इज अ समेशन पार्ट। तो आपको क्या करना है कि आपको जब डेरिवेटिव निकालना है तो आपको n टर्म्स का डेरिवेटिव निकालना है। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि जब भी आपको डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है आपको n टर्म्स का डेरिवेटिव निकालना है। और वो n टर्म्स क्या है? नंबर ऑफ रोज इन योर डेटा। ठीक है, सो मैं बस आपको एक कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूं कि क्यों प्रॉब्लम हो सकता है। लेट्स से हमारे डेटा में देर आर 1000 रोज, बहुत इजिली 10,000 रोज मिल सकता है आपको डेटा में। और आपके पास जो कॉलम्स हैं, मान लो आपके पास 5 कॉलम्स हैं डेटा में, 5 इनपुट कॉलम्स हैं। तो फॉर 5 इनपुट कॉलम्स यू विल हैव 6 कोएफिशिएंट्स, आपके पास 6 कोएफिशिएंट्स होंगे। ठीक है, और आपका ईपॉक मान लो आपने रखा है 50। ठीक है, तो आप सबसे पहले लूप में 50 टाइम्स क्या काम कर रहे हो? आप लूप में 50 टाइम्स एक सिंगल कोफिशियंट के लिए 1000 डेरिवेटिव्स कर रहे हो। तो फिर 6 कोफिशियंट्स के लिए आप 6000 डेरिवेटिव्स करोगे, और ये 6000 डेरिवेटिव्स मल्टीप्लाइड बाय 50 विल बी आई डोंट नो 40, तो 30 लाख डेरिवेटिव्स आपको कैलकुलेट करने हैं। अब अगर आप इस नंबर को बढ़ा दो, मान लो आपके पास 1 लाख रोज है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं 10 to the power 5। ठीक है, और आपके पास 100 कॉलम्स है 10 to the power 2, और आपका ईपॉक है 1000 10 to the power 3। तो फिर आपको टोटल कितने डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करने हैं? टोटल डेरिवेटिव्स वुड बी 10 to the power 5 + 2 + 3, मतलब कि 10 to the power 10 डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करने हैं। और इसका मतलब है कि यू विल हैव टू डू अ लॉट ऑफ कंप्यूटेशन एंड इट विल मेक योर एल्गोरिदम वेरी स्लो ऑन बिग डेटा, राइट? अगर आपके पास 1 लाख रो है और आपके पास 100 कॉलम्स हैं, ऑब्वियसली ये डेटा बहुत बड़ा है। ठीक है, दैट इज वाई आप क्लियरली देख सकते हो कि आपको 10 to the power 10 कैलकुलेशंस करने हैं या डेरिवेटिव्स निकालने हैं। दैट इज वे टू मच कैलकुलेशन टू डू फॉर अ सिंगल डेटा सेट। ठीक है, इसीलिए बोला जाता है कि बड़े डेटा सेट के साथ बैच ग्रेडियंट डिसेंट उतना अच्छा नहीं है। सो जब आप डीप लर्निंग में घुसोगे, डीप लर्निंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट दो चीजें आप करते हो वो होता है CNN इमेजेस के ऊपर, और दूसरा RNN टेक्स्ट के ऊपर। और ये दोनों ही बहुत हाई डायमेंशनल डेटा होता है, एंड दैट इज वाई वहां पे बैच ग्रेडियंट डिसेंट शायद ही कभी आप परफॉर्म करोगे। यू विल मोस्टली यूज स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट या फिर इसका जो वेरियंट है मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट, इन दोनों में से ही आप कोई एक यूज करते हो। ठीक है, तो एक परेशानी ये हो गई कि आपको नंबर ऑफ कंप्यूटेशन बहुत ज्यादा करनी पड़ रही है, विच विल मेक द एल्गोरिदम स्लो। छोटे डेटा सेट में प्रॉब्लम नहीं है, छोटे डेटा सेट में ठीक है, और आप यूज करते भी हो, ऑब्वियसली एग्जिस्ट करता है तो उसका यूटिलिटी भी होगा। ठीक है, सेकेंड परेशानी ये है इसका कि अगर आपको याद होगा तो हमने लास्ट टाइम इसका पूरा कोड लिखा था, एंड दिस वॉज द कोड। और इस कोड में एक स्टेप में मैंने आपको बोला था कि अगर आपको वाई हैट कैलकुलेट करना है साइमल्टेनियसली सारे रोज के लिए तो आपको ये स्टेप करना पड़ेगा, एनपी डॉट प्रोडक्ट ऑफ एक्स ट्रेन एज इन योर पूरा इनपुट डेटा और आपके कोफिशियंट का मेट्रिक्स, और उसमें आप इंटरसेप्ट को एड कर दोगे। अब एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या है, बाय द वे इस प्रोसेस को बोला जाता है वेक्टराइजेशन, दिस इज नोन एज वेक्टराइजेशन। बट ये वेक्टराइजेशन मतलब अच्छी चीज है, आपको लूप नहीं चलाना पड़ रहा है, आप नंपाई का डॉट प्रोडक्ट यूज करके अपना काम निकाल ले रहे हो।
बट एक बड़ी परेशानी क्या है कि आप एक साथ रैम में ये पूरा का पूरा एक्स ट्रेन लोड कर रहे हो। ये ऑपरेशन अगर आपको परफॉर्म करना है तो इसके लिए आपको एक्स ट्रेन को फुली, पूरा एक्स ट्रेन को एक साथ रैम में बिठाना पड़ेगा, तभी तो ये कैलकुलेशन हो पाएगा। बट अनफॉर्चुनेटली अगर कभी आपके पास जो एक्स ट्रेन है वो बहुत बड़ा है, लाइक बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा बड़ा डेटा है, बिग डेटा है, तो फिर ये ऑपरेशन आप कर ही नहीं पाओगे। तो ये सिस्टम रिक्वायरमेंट अगर सरपास कर गया तो आप ये ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर पाओगे, आपको तुरंत मेमोरी आउट एरर ऐसा कुछ आता है वो आने लग जाएगा और दैट्स इट, आपका रिस्ट्रिक्शन आ गया। तो सेकेंड आपका प्रॉब्लम है हार्डवेयर का। अगर आप एक ऐसी मशीन पे काम कर रहे हो जहां पे रैम कम है तो देर इज अ चांस कि बड़े डेटा के साथ आप बैच ग्रेडियंट डिसेंट अप्लाई ना कर पाओ, ठीक है? तो दैट इज वाई देर इज अ रिक्वायरमेंट फॉर सम अदर फॉर्म ऑफ ग्रेडियंट डिसेंट। ग्रेडियंट डिसेंट में कोई परेशानी नहीं है, उसके इम्प्लीमेंटेशन में परेशानी है। तो क्या हम कोई इम्प्लीमेंटेशनल चेंज करके इसको इम्प्रूव कर सकते हैं? द आंसर इज यस। और जो सोल्यूशन है उसी को हम बोलते हैं स्टोकैस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट, जो हम अब डिस्कस करेंगे। सो गाइस, स्टोकैस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि बैच ग्रेडियंट डिसेंट में आप क्या करते हो कि आप एक बार, एक सिंगल इपॉक में पूरा डेटा देखने के बाद एक बार अपने कोफिशियंट्स को अपडेट करते हो, राइट? मतलब अगर आपको ये कोड याद होगा तो इसमें आप क्या कर रहे थे कि आप एक बार यहाँ पे आप लूप चला रहे थे इपॉक्स के ऊपर, और हर लूप के आइटरेशन में आप एक बार अपने कोफिशियंट्स को और अपने इंटरसेप्ट को अपडेट कर रहे थे। मतलब ये हुआ कि आप पूरा डेटा देखने के बाद, एक बार जब आप पूरा डेटा देख लेते हो उसके बाद आप एक सिंगल अपडेट लेते हो अपने कोफिशियंट्स के ऊपर। दैट इज व्हाट यू डू, राइट? स्टोकैस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट में क्या हो जाता है? स्टोकैस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट में आप ये करते हो कि आप सिर्फ एक सिंगल रो देख के अपडेट कर देते हो, फिर आप सेकेंड रो देखते हो और आप अपडेट कर देते हो, फिर आप थर्ड रो देखते हो और आप अपडेट कर देते हो। सो अगर आपके पास एन रोज हैं तो एक सिंगल ईपॉक में आप एन अपडेट्स करोगे। बिकॉज ऑफ दीज फ्रीक्वेंट अपडेट्स आप अपने करेक्ट आंसर तक थोड़ा जल्दी पहुंचते हो, मतलब आपको उतने ईपॉक्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको इतने ईपॉक्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप बहुत जल्दी कन्वर्ज कर जाओगे, प्रोबेबली 5 या 10 ईपॉक्स में, डिपेंड्स ऑन द डेटा, ठीक है? वेयर एज आप जब बैच ग्रेडियंट डिसेंट में हो तो एक ईपॉक में आप सिर्फ एक अपडेट ले रहे हो, मतलब पूरा रोज देखने के बाद आप एक सिंगल अपडेट ले रहे हो। दैट इज वाई यू नीड मोर नंबर ऑफ ईपॉक्स, और फिर मोर नंबर ऑफ ईपॉक्स में आपको फिर से सारा डेटा देख करके सबका डेरिवेटिव निकालना है। सो इन दैट वे आपका स्टोकैस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट बिकम्स फास्टर बिकॉज इट रिक्वायर्स लेस नंबर ऑफ ईपॉक्स, ठीक है? सेकेंड, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आपको एक साथ सारा का सारा डेटा लोड करना पड़ता है मेमोरी में। अब सिंस स्टोकैस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट में आप एक बार में सिर्फ एक रो को देख करके डिसाइड कर रहे हो कि अपडेट कितने का होगा, तो यहाँ पे आप पूरा का पूरा डेटा ना यूज करके एक बार में सिर्फ एक रो को यूज करते हो। तो डेटा कितना भी बड़ा है, 1 GB का भी है, आपको सिर्फ एक बार में, एक आइटरेशन के अंदर एक सिंगल रो से मतलब है, जिसका मेमोरी बहुत कम होता है। तो कभी भी आपका हार्डवेयर रिक्वायरमेंट भी फेल नहीं करता, ठीक है? तो यू कैन सी दोनों एस्पेक्ट्स में स्टोकैस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट इंप्रूव करता है आपके परफॉर्मेंस को। फर्स्ट, इट गिव्स यू फास्टर कन्वर्जेंस। फास्टर कन्वर्जेंस का मतलब है कि आपको नंबर ऑफ ईपॉक्स कम लगेंगे क्योंकि आप ज्यादा अपडेट्स ले रहे हो, ठीक है? सेकेंड, आपको एक साथ पूरा डेटा लोड नहीं करना मेमोरी में, जिसकी वजह से आपका जो एल्गोरिदम है वो कभी भी मतलब फटेगा नहीं, कोड फटेगा नहीं, और आप हैंडल कर पाओगे इवन इफ यू हैव कम मेमोरी वाला मशीन, ठीक है? अब एक चीज और यहाँ पे की जाती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो इस चीज से आती है कि इस एल्गोरिदम का नाम है स्टोकैस्टिक। सो अगर आप गूगल करो इस वर्ड को तो स्टोकैस्टिक का मतलब होता है ये, हैविंग अ रैंडम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और पैटर्न दैट मे बी एनालाइज्ड स्टैटिस्टिकली बट मे नॉट बी प्रिडिक्टेड प्रिसाइजली। अब जब आप स्टोकैस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट चलाते हो तो
आपको हर बार लूप के अंदर एक सिंगल रो अपडेट करना होता है, एक सिंगल रो को देख के अपडेट करना होता है, बट वो रो आप सीक्वेंशली नहीं उठाते हो। जैसे फर्स्ट टाइम लूप चल रहा है तो इट डज नॉट मैटर कि आप फर्स्ट, इट डज नॉट मीन कि आप फर्स्ट वाला लूप रो उठाओगे, नहीं आप ऐसा नहीं करोगे। आप रैंडमली सेलेक्ट करोगे कि आउट ऑफ दीज एन रोज मुझे कौन से रो को देख करके डिसाइड करना है कि अपडेट कितने का होगा। सो दिस रो इज सेलेक्टेड रैंडमली, और इधर ही से ये वर्ड आता है स्टोकैस्टिक। सो स्टोकैस्टिक का फायदा ये है कि आप फास्टर कन्वर्जेंस देखते हो, बहुत जल्दी आप कन्वर्ज करते हो, बट इसका एक नुकसान है कि ये स्टेडी सॉल्यूशन नहीं देता, ये स्टेडी सॉल्यूशन नहीं देता। इसका मतलब आप सेम डेटा के ऊपर स्टोकैस्टिक एल्गोरिदम को, स्टोकैस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट को बार बार चलाओगे, आपको डिफरेंट आंसर्स मिलेंगे, क्योंकि आप रैंडमली डेटा को सेलेक्ट कर रहे हो तो रैंडम अपडेट्स हो रहे हैं। ऑल्दो वो रैंडम अपडेट्स आपको आंसर के पास लेके जाएंगे, बट इट डज नॉट मीन कि आपको सबसे सही आंसर निकाल के देंगे। वो सबसे सही आंसर के आसपास वाली चीज आपको निकाल के देते हैं, और वो भी वैरी करता है। ठीक है, इस बार कुछ और आया, अगली बार कुछ और आया, उसके अगली बार कुछ और आया, इट वैरीज। ठीक है, अब ये रैंडमनेस जो है इसका भी एक फायदा है, वो हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर के बाद, बट अभी बस यू समझ लो कि देर विल बी सम रैंडमनेस आपके आंसर में, आपके सोल्यूशन में देर विल बी सम रैंडमनेस। तो यू वुड से कि यार फिर क्या फायदा, फिर तो हम बैच ग्रेडियंट डिसेंट ही यूज करेंगे। तो आप करोगे, अगर आपके पास डेटा छोटा है तो आप यूज करोगे, बट अगर आपके पास बहुत बड़ा डेटा है तो बैच ग्रेडियंट डिसेंट इज नॉट अ सोल्यूशन। तो फिर आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, स्टोकैस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट, और वो स्टोकैस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट आपको हल्का सा इम्प्रिसाइज सोल्यूशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये अगर आपको डिस्कशन पूरा समझ में आ गया, व्हाट आई विल डू इज आई विल क्विकली शो यू इन कोड कि ये पूरा चीज को कैसे इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, सो गाइज मैंने एक फाइल बना रखा है, और ये फाइल एग्जैक्टली मैंने कॉपी पेस्ट किया है पिछले वीडियो के कोड से। सेम टू सेम डायबिटीज वाला डेटा सेट यूज कर रहे हैं हम, और सब कुछ मैंने R2 स्कोर तक कैलकुलेट करके यहाँ पे भी रख लिया है एज इट इज, सेम टू सेम रेफरेंस के लिए। ठीक है, यू कैन सी बिल्कुल सेम चीज है। और अब हम क्या करेंगे, हम अपना खुद का क्लास बनाएंगे SGD रिग्रेसर, स्टोकैस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट रिग्रेसर। तो उसके लिए हमें क्या करना है, आई विल सिंपली कॉपी पेस्ट दिस एंटायर कोड, और फिर मैं इसमें मॉडिफिकेशंस करूंगा। ठीक है, अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप पिछला वीडियो देख लो जहां पे मैंने बैच ग्रेडियंट डिसेंट पढ़ाया है, तो थिंग्स वुड बिकम इजियर। ठीक है, अब देखो गाइज यहाँ पे मैं चेंजेस करूंगा। हमारे कंस्ट्रक्टर में फर्स्ट ऑफ ऑल इसका नाम चेंज करके मैं SGD रिग्रेसर कर रहा हूँ। हमारे कंस्ट्रक्टर में वी नीड नो चेंजेस, हमें यूजर से दो चीजें चाहिए, 0.01 लर्निंग रेट डिफॉल्ट है, और epochs 100 डिफॉल्ट है, और यहाँ पे सब कुछ ठीक है। फिट मेथड में ये लूप के अंदर वाला सारा काम हम फिर से करेंगे स्क्रैच से, या प्रिडिक्ट फंक्शन एज इट इज रहेगा, जो भी डिफरेंस आएगा कोड में वो फिट के अंदर आएगा। ठीक है, तो देखो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लिखेंगे फॉर आई इन सेल्फ डॉट ईपॉक्स, ईपॉक्स में तो चलाओगे आप। अब इसके अंदर आपने क्या किया था, आपने डायरेक्टली एक बार पूरा घूम करके वाई हैट कैलकुलेट किया था, हर रो का प्रिडिक्शन कैलकुलेट किया था, और उससे आपने फिर इंटरसेप्ट का डेरिवेटिव और कोफिशियंट का डेरिवेटिव कैलकुलेट किया था। बट यहाँ पे आपको एक साथ सारे के सारे रोज के ऊपर काम नहीं करना, आपको क्या करना है, अब एक लूप चलाना है। सो यू विल रन वन मोर लूप फॉर जे इन सेल्फ डॉट, एक्चुअली यहाँ पे आएगा, यहाँ पे भी आएगा रेंज ऑफ, सॉरी रेंज ऑफ सेल्फ डॉट ईपॉक्स, और यहाँ पे आएगा फॉर जे इन रेंज ऑफ सेल्फ सेल्फ नहीं एक्स ट्रेन डॉट शेप का 0। तो ये वाला लूप उतनी बार चलेगा जितने आपके पास रोज हैं। ठीक है, और अब हर बार आप रो के अंदर क्या कर रहे हो, सबसे पहले यू आर जेनरेटिंग अ रैंडम नंबर। ठीक है, सो मैं उस नंबर को बोल रहा हूँ IDX, एंड दिस विल बी इक्वल टू NP डॉट रैंडम डॉट रैंड इंट, और इसके अंदर मुझे लो में बताना है
जीरो और हाई में बताना है एक्सट्रेन डॉट शेप का जीरो, ठीक है। सो बेसिकली मैं ये कर रहा हूं कि हर बार मैं एक रैंडम इंटीजर जनरेट कर रहा हूं लाइक दिस, ठीक है। हर बार कोई एक रैंडम इंटीजर जनरेट हो रहा है, हमारे पास टोटल मिला के एक्सट्रेन में कितने रोज हैं, 353। तो ये नंबर हमेशा जीरो से लेके 353 के बीच में ही रहेगा, ठीक है। और हम इस तरीके से रैंडमली एक इंडेक्स सेलेक्ट करेंगे, ओके। अब हमें क्या करना है, उस पर्टिकुलर इंडेक्स के लिए प्रिडिक्शन कैलकुलेट करना है, उस पर्टिकुलर इंडेक्स के लिए प्रिडिक्शन निकालना है। वो पर्टिकुलर इंडेक्स वाला जो रो है एक्सट्रेन में, देयर आर 353 रोस, लेट्स से आईडीएक्स से हमें मिला 50, तो हम 50th रो को एक्सट्रैक्ट करेंगे, उसका प्रिडिक्शन कैलकुलेट करेंगे। सो यहां पे ये जो स्टेप था जहां पे आप वाई हैट निकालते थे और ये एक मैट्रिक्स होता था, हमारे केस में इट वुड नॉट बी अ मैट्रिक्स, इट वुड बी अ स्केलर, एक सिंगल नंबर होगा। और यहां पे आप पूरे एक्सट्रीम से मल्टीप्लाई ना करने के बदले आप क्या करोगे, आप आईडीएक्स वाले रो से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। जैसे कि मैं आपको ये दिखा देता हूं, जैसे कि लेट्स से आईडीएक्स का वैल्यू आया 42, तो आप एक्सट्रीम का 42 निकालोगे, ये रहा वो नंबर, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, इसको डॉट प्रोडक्ट करोगे सेल्फ डॉट कोफिशिएंट से, ठीक है। सेल्फ डॉट कोफिशिएंट मान लो ये चीज है, जितने अपने पास, आई विल क्विकली डू इट इन फ्रंट ऑफ यू, सो लेट्स से ये हमारा सेल्फ डॉट कोफिशिएंट है, ठीक है। सेल्फ इज नॉट डिफाइंड, लेट्स से इसको कोफिशिएंट बोल देते हैं अभी, ठीक है। और हमारा जो इंटरसेप्ट है वो इनिशियली जीरो है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, टू फाइंड आउट वाई हैट यू विल डू दिस कैलकुलेशन, सो आई विल कॉपी दिस एंड आई विल पेस्ट इट ओवर हियर, सो यू कैन सी हमारे पास आईडीएक्स के बदले 42 होगा, सिंस हम क्लास के बाहर ये कैलकुलेशन कर रहे हैं, कोएफिशिएंट होगा और ये होगा, एंड यू कैन सी एक सिंगल नंबर आ रहा है, जो मेरा वाई प्रिडिक्शन है वो एक सिंगल नंबर है, ठीक है, वही मैं आपको दिखाना चाह रहा था। तो अब ये मैट्रिक्स नहीं होगा, पिछली बार ये पूरा मैट्रिक्स ऑफ नंबर्स था बिकॉज आप सारे रोज का कलेक्टिवली वाई हैट निकाल रहे थे, अब आप ऐसा नहीं कर रहे, ठीक है। अब आप क्या करोगे, अब आप इंटरसेप्ट का, अगर आपको इंटरसेप्ट को अपडेट करना है तो दिस इज द कोड टू अपडेट द इंटरसेप्ट, बट इंटरसेप्ट को अपडेट करने के लिए आपको चाहिए पड़ेगा इंटरसेप्ट का डेरिवेटिव, और इंटरसेप्ट का डेरिवेटिव कैलकुलेट आप ऐसे करते थे, ऐसे कॉपी, दिस वॉज इंटरसेप्ट डेरिवेटिव, ठीक है। और इसका फॉर्मूला ये था, दिस वॉज द फॉर्मूला फॉर इंटरसेप्ट डेरिवेटिव। इसको मैं थोड़ा अगर क्लियरली लिखूं, इस जगह पे हमने जब डेल एल बाय डेल बीटा नॉट निकाला था तो इट वॉज कमिंग आउट टू बी 2/m सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 से m वाई आई माइनस वाई आई हैट, यही था, सी दिस वॉज द डेरिवेटिव। बट अगर आप नोटिस करो तो ये सारे रोज का कलेक्टिवली निकालने के लिए था, बट अब तो हम सारे रोज के ऊपर काम नहीं कर रहे, हम सिर्फ एक सिंगल रो के ऊपर काम कर रहे हैं। तो सोच के देखो, क्या ये समेशन की जरूरत है, इस समेशन की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। और क्या आपको इस m की जरूरत है, अब ये m का वैल्यू हो जाएगा 1 बिकॉज आप एक सिंगल रो के लिए निकाल रहे हो, तो ये फॉर्मूला ट्रांसफॉर्म होके हो जाएगा -2 टाइम्स वाई आई माइनस वाई आई हैट। यहाँ पे i क्या है, i इज दैट आई डी एक्स, that IDX that we have calculated. तो इसका मतलब आपको अब मीन करने की कोई जरूरत नहीं है, ये मीन करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ अब Y ट्रेन का, वो Y ट्रेन में सिंस सारे के सारे रोज का, इट्स अ मैट्रिक्स, सारे के सारे रोज का आउटपुट वैल्यू है, बट मुझे कौन से रो का चाहिए, IDX वाले का, और Y hat already सिंगल वैल्यू है, तो ये भी सिंगल वैल्यू है, ये भी सिंगल वैल्यू है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे सिंगल वैल्यू एज इन स्केलर आएगा, उसको -2 से मल्टीप्लाई करोगे स्केलर आएगा, ठीक है। और फिर हमने ये कर दिया, हमने इसको अपडेट कर दिया, ठीक है। तो ये अपडेट तो हो गया, अब बात करते हैं
कोफिशियंट्स के अपडेट का. तो कोफिशियंट्स को अपडेट करने का कोड ये है. सो आई विल कॉपी दिस एंड आई विल पेस्ट इट ओवर हियर. सो अब इसके लिए भी मुझे कोफिशियंट डेरिवेटिव कैलकुलेट करना पड़ेगा और कोफिशियंट डेरिवेटिव निकलेगा इस कोड को कॉपी पेस्ट करके. इसको मैं यहां पे पेस्ट कर रहा हूं. नाउ आई विल शो यू कि इसमें क्या चेंज आएगा. ठीक है, ध्यान से देखना. So, जब हम बात करते थे बैच जीडी का, तो वहां पे हमने जब निकाला था तो ये आया था. सो यहां पे क्या करते थे आप, माइनस टू बाई एन सिग्मा ऑफ वाई आई माइनस वाई आई हैट और साथ में एक्स आई वन, मतलब पहले कॉलम का सारा वैल्यू अगर आप एक्स बीटा वन की बात कर रहे हो. अब आप क्या करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये समेशन की जरूरत नहीं है क्योंकि आप एक सिंगल रो की बात कर रहे हो. ये एन का वैल्यू वन हो जाएगा बिकॉज आपके पास सिर्फ एक रो है और ये जो पूरा कॉलम का वैल्यू है इसके बदले आपको सिर्फ एक सिंगल रो का वैल्यू चाहिए पड़ेगा. दैट्स इट. ठीक है, तो आपको बस कुछ नहीं करना है इस फॉर्मूले में. यू हैव टू जस्ट मेक वन चेंज एंड दैट इज इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग विथ वाई ट्रेन पूरा का पूरा, यू वुड मल्टीप्लाई विथ एक्स ट्रेन ऑफ आई डी एक्स एंड सिमिलरली वाई ट्रेन में भी यू विल राइट आई डी एक्स. सो ये एक सिंगल नंबर और इसका शेप क्या होगा सोच के देखो. अगर आपके पास एक डेटा है जिसका शेप इज एक्स ट्रेन डॉट शेप इज 353/10, तो इसका एक सिंगल रो का शेप होगा 1, 10. और इसको जब आप डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो विथ वन सिंगल नंबर स्केलर 1, 1 से, तो आपको रिजल्टेंट में आएंगे 10 नंबर्स. यू विल गेट 10 नंबर्स और ये 10 नंबर्स क्या होंगे, आपके 10 के 10 कोफिशियंट्स जो कि इस मैट्रिक्स में है. और फिर उसके आगे का काम आप इस तरीके से करोगे. एंड दैट्स इट गाइस, दिस इज द ओनली डिफरेंस. दिस इज द डिफरेंस इन द कोड ऑफ स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट एंड बैच ग्रेडियंट डिसेंट. यू कैन सी इट साइड बाय साइड. अब हम क्या करेंगे, इसको रन करके देखेंगे और देखते हैं इसका परफॉर्मेंस कैसा आता है. ठीक है, ऑब्वियसली आई विल शो यू कि आपको उतने ईपॉक्स का जरूरत नहीं पड़ेगा जितना आपको यहां पे पड़ रहा था. ठीक है, आई विल शो यू दैट. सो थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं. आई जस्ट मूव माई टैबलेट. सो या देखो, एसजीडी रिग्रेसर में हम लोग आ रहे हैं और वी आर डूइंग दिस. वी आर फर्स्ट ऑफ ऑल रनिंग द कोड और आई विल जस्ट रिमूव ऑल ऑफ दिस एंड आई विल क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ एसजीडी रिग्रेसर. यहाँ पे मैं अपना लर्निंग रेट पास करूंगा टू बी इक्वल टू 0.01 और मैं ईपॉक्स पास करूंगा 50. ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एसजीडी. ठीक है, sgd.fit xtrain, ytrain. And you can see हमारे numbers already यहाँ पे आ रहे हैं. और अब मैं yprint calculate करूँगा. yprint will be equal to sgd.predict and I will pass my xtest. And then I will calculate the R2 score by passing ytest and yprint. And you can see already I'm getting 0.43. ठीक है, यहां पर अगर मैं सेम चीजें डालू, यहां पे अगर मैं डालू epoch का वैल्यू 50 और मैं डालू लर्निंग रेट टू बी इक्वल टू 0.01. ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको ऊपर से चला लेते हैं कोड को. शायद मैंने चलाया नहीं है, जस्ट गिव मी 1 मिनट, विल बी क्विक. सब कुछ ठीक है, 43 के अराउंड एंड सी, ये इतने कम ईपॉक्स में आपको अच्छा रिजल्ट नहीं दे पा रहा है. ठीक है, इसको और ज्यादा ईपॉक्स लगेंगे. सी, अगर हम 100 दें तो इसका रिजल्ट इंप्रूव करेगा. सी, अगर हम और ज्यादा लर्निंग रेट बढ़ाएं या फिर ईपॉक बढ़ाएं तो इसका रिजल्ट और इंप्रूव करेगा. वेयर एज यहां पर आप थोड़ा सा रिजल्ट्स को घटा के, मतलब ईपॉक्स को घटा के ट्राई करके देखो. लेट्स से मैं 25 ट्राई कर रहा हूँ, थोड़ा सा घट गया. आई विल ट्राई विथ 30. 40 के अराउंड आ रहा है. आई विल ट्राई 35. 41. आई विल ट्राई 40.
45 और वापस 50 कर लो, आई गेस 50 के अराउंड हमें सही रिजल्ट मिल रहा है, वेर एज यहाँ पे यू कैन सी 100 पे भी हम सही रिजल्ट पे कन्वर्ज नहीं कर पा रहे. तो यू कैन सी दिस पॉइंट इज बीइंग प्रूव्ड कि आपका आपका जो स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट है इट कन्वर्जेस फास्टर. ठीक है, इट कन्वर्जेस फास्टर टू द सॉल्यूशन, बट हर बार सॉल्यूशन अलग होगा. ठीक है, हर बार सॉल्यूशन अलग होगा. मतलब अगर आप देखो, जैसे ये नंबर्स को अगर आप ऑलरेडी देखो कि ये नंबर्स कुछ ऐसे हैं, अब अगर मैं दोबारा से इस कोड को रन करूं, देखो नंबर्स चेंज हो रहे हैं क्योंकि ये स्टोकेस्टिक है. आप रैंडम पॉइंट्स उठा रहे हो हर बार और आपको रैंडम आंसर्स मिल रहे हैं, ऑल्दो वो सॉल्यूशन के आसपास ही रहेंगे बट थोड़े से डिफरेंस में आएंगे. सी डिफरेंस आ रहा है हर बारी. ठीक है, सो ये एक परेशानी है. बट सिंस बहुत आसपास रहता है वो रैंडम नंबर, थोड़ा इम्प्रिसाइज होता है, फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. एक बड़े डेटा सेट पे आप अगर सॉल्यूशन के क्लोज भी पहुंच रहे हो, दैट इज गुड इनफ. ठीक है, तो आई होप आपको ये पूरा डिस्टिंक्शन समझ में आया कि स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट और बैच ग्रेडियंट डिसेंट में क्या डिफरेंस होता है. अब मैं आपको एक और पॉइंट प्रूव करके दिखाता हूँ, और वो पॉइंट है कि दोनों एल्गोरिदम्स में टाइम डिफरेंस कैसा है. ठीक है, टाइम डिफरेंस कैसा है, कौन सा फास्ट है. ठीक है, सो व्हाट आई विल डू इज मैं टाइम मॉड्यूल को इंपोर्ट कर रहा हूँ. आई एम इंपोर्टिंग द टाइम मॉड्यूल, और यहां पर जिस पॉइंट पे मैं फिट कर रहा हूं, यहां पर आई एम क्रिएटिंग अ वेरिएबल कॉल्ड स्टार्ट जिसका वैल्यू इज टाइम डॉट टाइम, और जब मॉडल पूरा ट्रेन हो जाता है उसके बाद आई एम प्रिंटिंग आउट कि टाइम टेकन इज कॉमा टाइम डॉट टाइम माइनस स्टार्ट. ये मुझे सेकेंड्स में बताएगा कि मॉडल को ट्रेन होने में कितना टाइम लगा. सो आई विल क्रिएट अ न्यू ऑब्जेक्ट एंड इसको रन किया. इस मॉडल को ट्रेन होने में लगा 0.0088. ठीक है, और अगर हम ये सेम कोड यहां पे भी लिख ले, इम्पोर्ट टाइम, और यहां पर अगर हम आए और लिखें स्टार्ट इज इक्वल टू टाइम डॉट टाइम एंड प्रिंट द टाइम टेकन इज टाइम डॉट टाइम माइनस स्टार्ट. सो यू कैन सी यहां पे ज्यादा टाइम लग रहा है, और ज्यादा टाइम लगेगा भी गाइज अगर आप सोचो, क्योंकि फैक्टर बस बहुत ज्यादा. सी एक चीज, कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं, और वो मैं आपको जल्दी से बताता हूँ. टाइम कंपैरिजन का बात करते हैं. एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, एक बार वीडियो पॉज करके इसका आंसर सोचने का ट्राई करना, कि अगर नंबर ऑफ ईपॉक्स फिक्स्ड है, नंबर ऑफ ईपॉक्स अगर फिक्स्ड है, मान लो एन इज इक्वल टू, मान लो E इज इक्वल टू 100, ईपॉक्स का वैल्यू 100 है, मतलब आपको 100 ईपॉक्स चलाने ही है. तो आपको, मान लो आप 100 ईपॉक्स बैच के ऊपर चलाओ और 100 ईपॉक्स आप स्टोकेस्टिक के ऊपर चलाओ, सोच के देखो कौन सा एल्गोरिदम फास्टर होगा. यू कैन पॉज द वीडियो, यू कैन थिंक अबाउट दिस. द आंसर इज बैच विल बी फास्टर, राइट. सोच के देखो ना आप, मतलब ऑल्दो स्टोकेस्टिक को इसलिए लाया गया था क्योंकि ये फास्ट होता है, एज इन सॉल्यूशन पे फास्ट पहुंचता है. इट डज नॉट मीन कि सेम नंबर इपॉक्स पे स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट फास्टर होगा, क्योंकि सोच के देखो अगर आपके पास 100 इपॉक्स हैं तो आप यहां पर नंबर ऑफ अपडेट्स कितने करोगे, 100, हर इपॉक में एक बार अपडेट करोगे. वेर एज स्टोकेस्टिक में आप कितने अपडेट्स करोगे, 100 मल्टीप्लाइड बाय एन, वेयर एन इज द नंबर ऑफ रोज. ठीक है, तो इसका मतलब बराबर नंबर ऑफ ईपॉक्स के लिए फास्टर इज बैच, बट सिंस स्टोकेस्टिक को उतने ईपॉक्स की जरूरत ही नहीं पड़ती, दैट इज वाई आपका ये वाला नंबर घट जाता है, और जिसकी वजह से ओवरऑल कन्वर्जेंस स्टोकेस्टिक का फास्टर रहता है और बड़े डेटा सेट के ऊपर. अभी तो ये डेटा सेट इतना बड़ा नहीं है, तो प्लीज इसमें कंफ्यूज मत होना, ये बात हमेशा याद रखना. लॉजिकल भी है, कॉमन सेंसिकल है, कि सिंस आपको हर रो के लिए एक बार अपडेट करना है हर ईपॉक में, तो नंबर ऑफ अपडेट्स बढ़ जाएंगे ना अगर ईपॉक सेम है दोनों के लिए तो. बट सिंस ईपॉक्स ही हमें कम लेने हैं, इसीलिए स्टोकेस्टिक थोड़ा फास्टर कन्वर्ज करके आपको कम टाइम में सोल्यूशन देता है, स्पेशली ऑन बिगर डेटा सेट्स.
ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है कि स्टोकैस्टिक ज्यादा टाइम ले रहा है, ये आप क्या बोल रहे हो, आपने तो बोला था कि स्टोकैस्टिक विल टेक लेस अ टाइम, बट ऐसा नहीं है। ऐसा तब एप्लीकेबल है जब आप बहुत बड़े डेटा सेट पे काम कर रहे हो और आपका कन्वर्जेंस फास्टर हो रहा है, ठीक है। सो प्लीज डोंट बी कंफ्यूज, मतलब आप बोलोगे यार कुछ पढ़ा रहा है कुछ आ रहा है, ऐसा नहीं है। यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉमन मेजर डिफरेंस बिटवीन देम, ठीक है। सो आई होप आपको ये पूरा डिफरेंस समझ में आया। अब मैं आपको कुछ विजुअलाइजेशन दिखाऊंगा, और विजुअलाइजेशन के बाद मैं आपके साथ कुछ और डिस्कशंस करूंगा रिगार्डिंग स्टोकैस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट, ठीक है। सो गाइज, यहाँ पर मैंने कुछ एनिमेशंस बनाए हैं, और इन एनिमेशंस का कोड मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, सो दैट आप भी एक्सपेरिमेंट कर पाओ। यहाँ पे दो डिफरेंट विजुअलाइजेशंस हैं। सो वन इज कि आपका लाइन कैसे गलत जगह से स्टार्ट करके सही जगह तक पहुंचता है, एंड द सेकेंड वन इज कि आप अपने कॉस्ट फंक्शन में आपका ये बेसिकली 2D डेटा है, मतलब देर इज वन इनपुट कॉलम वन आउटपुट कॉलम, तो ये एम और बी वाला केस है, स्लोप और इंटरसेप्ट वाला केस है, यहाँ पे मल्टीपल कोफिशियंट्स नहीं है। तो जो सेकेंड विजुअलाइजेशन है वहां पे आपका एक्स एक्सिस पे एम है एज इन स्लोप है, और बी वाई एक्सिस पे बी एज इन इंटरसेप्ट है, ठीक है। और एक बार मैं एक्सप्लेन करता हूँ ये दोनों विजुअलाइजेशन। इसमें जो फर्स्ट विजुअलाइजेशन है, दिस वन इज फॉर बैच ग्रेडियंट डिसेंट, बैच ग्रेडियंट डिसेंट, दिस इज फॉर बैच ग्रेडियंट डिसेंट, एंड द सेकेंड वन इज फॉर स्टोकैस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट, ठीक है। अब यहां पर यू कैन क्लियरली सी पहले वाले विजुअलाइजेशन में कि आप गलत जगह से स्टार्ट करके हमेशा हर पॉइंट पे इंप्रूव कर रहे हो, और इवेंचुअली आफ्टर 30 epochs आप सही जगह पे पहुंच जा रहे हो, ठीक है। वेयर एज इन द सेकेंड डायग्राम, फर्स्ट ऑफ ऑल ये ईपॉक नहीं है, ठीक है, ये मैंने गलती से यहाँ पे लिख दिया, दिस इज नॉट ईपॉक। यू वुड सी कि ये 100 तक रन कर रहा है। एक्चुअली ये जो मॉडल मैंने ट्रेन किया है, ये मॉडल सिर्फ वन ईपॉक के लिए ट्रेन हुआ है, एक सिंगल ईपॉक के लिए। बट ये 100 तक क्यों जा रहा है ये काउंट, क्योंकि यहाँ पे 100 नंबर्स हैं, तो 100 बार आपका स्लोप और इंटरसेप्ट अपडेट हुआ है, जैसे कि यहाँ पे सिर्फ 30 टाइम्स हुआ है क्योंकि 30 epoch चला है, बट यहाँ पे सिर्फ एक ईपॉक है, 100 रोज हैं, इसलिए 100 अपडेट्स हुए हैं। तो रादर देन ईपॉक मुझे यहाँ पे अपडेट लिखना चाहिए था। सो यू कैन सी यहाँ पे क्या डिफरेंस है कि हर पॉइंट पे इट इज नॉट नेसेसरी कि आप इंप्रूव कर रहे हो। कुछ पॉइंट्स पे ऐसा हो सकता है कि आपने पिछले बार से भी खराब परफॉर्म किया, बट इवेंचुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू वुड नोटिस कि आप सही जगह पे पहुंच रहे हो, ठीक है। जैसे यहां पर बैच ग्रेडियंट डिसेंट में यू वुड सी कि आप हर बार हर पॉइंट पे पिछले बार से बेटर पोजीशन में पहुंचने का ट्राई कर रहे हो। स्टोकैस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट ये गारंटी नहीं करता। स्टोकैस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट में हो सकता है स्टेप नंबर n+1 इज वर्स देन स्टेप नंबर n, मतलब अगला स्टेप पिछले स्टेप से खराब हो सकता है। तो थोड़ा सा आपको इस एल्गोरिदम की वर्किंग में इनकंसिस्टेंसी दिखाई देगी, या फिर थोड़ा सा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस दिखाई देगा, जैसे ये बहुत कॉन्फिडेंटली अपने टारगेट की तरफ मूव कर रहा है, ये थोड़ा हिचकिचा रहा है कि अच्छा ये सही है क्या, फिर गलतियां कर रहा है, और इवेंचुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये सही जगह पे पहुंच रहा है। दैट इज द फर्स्ट विजुअलाइजेशन जो आपको बताएगा कि स्टोकैस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट कैसे काम कर रहा है, और ऑब्वियसली बिहेवियर जस्टिफाइड है, बिकॉज यू कैन सी यहाँ पर आप रैंडम एक सिंगल पॉइंट का सहारा लेकर के, हेल्प लेकर के सही रास्ते तक पहुंचने का ट्राई कर रहे हो, तो हो सकता है कि वो पर्टिकुलर पॉइंट जिसके ऊपर आप रिलाई कर रहे हो वो आपको कुछ गड़बड़ बताए, ठीक है। तो दैट इज वाई इस तरह का ग्राफ आ रहा है। सेकेंड, यहां पर आप देखो ये कॉस्ट फंक्शन है, और जो सबसे डार्कर शेड है ये आपका मिनिमम कॉस्ट है। तो मैंने आपको कॉस्ट फंक्शन दिखाया था, आपका कॉस्ट फंक्शन 3D में कुछ ऐसा दिखाई देता था, कुछ इस तरीके का, मैंने आपको 3D में दिखाया था, कुछ इस तरीके का था, इस तरीके का, ठीक है। तो ये जो मिनिमम वाला रीजन है, यहां से आपको स्टार्ट करके यहां तक पहुंचना था, ये कॉन्टूर प्लॉट वही बता रहा है कि आपने यहां से स्टार्ट किया एम और बी की वैल्यू से, और आप बहुत कंसिस्टेंटली ग्रेजुअली सही डायरेक्शन में मूव करते हुए यहां पे पहुंच गए सही आंसर तक, ठीक है। वेयर एज अगर आप फोकस करो स्टोकैस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट के बिहेवियर पे, तो सिंस आप सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर रिलाई कर रहे हो, आपका जो डिसीजन मेकिंग है दैट इज लाइक वेरी रैश। आप देखो कहीं से भी कहीं पहुंच रहे हो, देखो कहीं से भी कहीं पहुंच रहे हो, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप सही जगह पहुंच जा रहे हो। सी ये देखो कितना रैंडमनेस है, कितना स्टोकैस्टिक नेचर शो कर रहा है, ठीक है, और दैट इज द मेन डिफरेंस। बट दिस इज फास्टर, ये इस पूरे चीज में सिर्फ एक ईपॉक लगा,
और इसमें 30 epochs लगे। तो यू कैन सी, आप हर बार अगर आप इस लूप को अलग अलग चलाओ तो यू वुड गेट डिफरेंट रिजल्ट्स। सिर्फ मैंने स्नैपशॉट ले लिया है तो हर बार सेम रिजल्ट आ रहा है, बट आप जितनी बार अलग अलग रन करोगे उतनी बार आपको यहाँ पे ये ग्राफ अलग दिखाई देता है। ठीक है, ये कोड्स मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं, आप एक बार इसको चला के देखना एंड यू वुड सी कि सच में स्टोकैस्टिक ग्रेडिएंट डिसेंट का नेचर इज स्टोकैस्टिक रैंडम। ठीक है, बट अगेन इट विल ट्राई टू रीच द करेक्ट सोल्यूशन, नॉट द एग्जैक्ट करेक्ट सोल्यूशन बट आसपास। ठीक है, सो ये विजुअलाइजेशन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट गाइज, आई वुड सजेस्ट कि आप इसको एक बार ध्यान से देख लो। सो गाइज नाउ लेट्स डिस्कस कि स्टोकैस्टिक ग्रेडिएंट डिसेंट आपको कब यूज करना चाहिए। देर आर टू रियली इंपॉर्टेंट केसेस जहां पे आपको स्टोकैस्टिक ग्रेडिएंट डिसेंट अप्लाई करना चाहिए। द फर्स्ट वन इज इफ यू हैव गॉट बिग डेटा। बिग डेटा मतलब खूब सारे रोज और खूब सारे कॉलम्स। अगर आपके पास बहुत बड़ा डेटा सेट है तो स्टोकैस्टिक ग्रेडिएंट डिसेंट विल कन्वर्ज फास्टर एंड इट विल गिव यू गुड रिजल्ट्स। ठीक है, बैच बहुत स्लो हो जाएगा एंड देयर इज अ चांस कि रन ही ना हो पाए क्योंकि वेक्टराइजेशन आप चला नहीं पाओगे। ठीक है, द सेकेंड केस इज व्हेन यू हैव अ नॉन कॉन्वेक्स फंक्शन। सो व्हाट इज अ नॉन कॉन्वेक्स फंक्शन, मैंने आपको बताया था एक ऐसा फंक्शन जिसके अगर आप किसी भी दो पॉइंट्स को कनेक्ट करो तो अगर आपका फंक्शन का कर्व उस लाइन को काट रहा है देन दिस इज अ नॉन कॉन्वेक्स फंक्शन। ठीक है, वेर एज अगर आपके पास एक कॉन्वेक्स फंक्शन है उसके कोई भी दो पॉइंट्स पे अगर आप लाइन सेगमेंट ड्रॉ करो तो आपका कर्व का जो आपका इक्वेशन का जो कर्व है वो उसको इंटरसेक्ट नहीं करेगा, दिस इज कॉन्वेक्स। इन शॉर्ट आप समझ सकते हो कि कॉन्वेक्स में देर विल बी अ ग्लोबल मिनिमा एंड नो लोकल मिनिमा, वेर एज आपके नॉन कॉन्वेक्स फंक्शन में यू कैन हैव अ ग्लोबल मिनिमा एंड यू कैन ऑल्सो हैव लोकल मिनिमाज। सो इस तरह के फंक्शन में क्या प्रॉब्लम होता है, ऑब्वियसली लीनियर रिग्रेशन में आपके पास कॉन्वेक्स फंक्शन है, बट जब आप आगे पढ़ोगे लॉजिस्टिक रिग्रेशन या फिर SVM या फिर आप डीप लर्निंग में जब पढ़ाई करोगे तो वहां पे आपको नॉन कॉन्वेक्स फंक्शंस मिलेंगे। और उन नॉन कॉन्वेक्स फंक्शंस में क्या प्रॉब्लम होता है कि अगर आपने गलत जगह से इनिशियलाइज किया अपने कोफिशियंट्स को तो देर इज अ चांस कि आप फंस सकते हो लोकल मिनिमा में, मतलब आपको जो सॉल्यूशन मिलेगा दैट विल बी अ सब ऑप्टिमल सॉल्यूशन, जबकि आपके पास बेस्ट सॉल्यूशन था आपको दिखा नहीं, यू विल बी अनलक्की। बेसिकली आपने जहां से स्टार्ट किया उसकी वजह से आप अनलक्की हो जाते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 3D डायग्राम में दिखाया है कि एक नॉन कॉन्वेक्स कॉस्ट फंक्शन ऐसा दिखाई देता है। ठीक है, अब अगर आप सोचो तो इसका अगर आप कॉन्टूर प्लॉट बनाओ, जैसे कि कॉन्टूर प्लॉट्स मैंने आपको दिखाए हैं, दिस इज कॉन्टूर प्लॉट। सो इसमें जो सबसे डार्क रीजन है दैट इज द मिनिमा। ठीक है, और जो सबसे ब्राइटेस्ट रीजन है वो आपके मैक्सिमा है। तो अगर आप इसका इस तरीके से कॉन्टूर प्लॉट बनाओ तो यू वुड फाइंड कि इसके कॉन्टूर प्लॉट में दो डार्क शेड्स आएंगे, मतलब यहाँ पे जैसे एक सिंगल डार्क ओवल है यहाँ पे दो आएंगे। सो एक इस जगह पे आएगा रिप्रेजेंटिंग दिस मिनिमा एंड देयर विल बी अ बिगर मिनिमा ओवर हियर। ठीक है, अब जैसे कि आप यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हो इस जगह से तो आप धीरे 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 करके अपने एक्चुअल सॉल्यूशन तक पहुंच रहे हो, बट अगर गलती से आपने यहाँ पे कहीं से स्टार्ट किया तो हो सकता है कि आप यहाँ पे आके फंस जाओ जबकि आपका एक्चुअल सॉल्यूशन यहाँ पे था। ऑब्वियसली ये आपका m का वैल्यू है और ये आपका b का वैल्यू है, सो एक्चुअल m का वैल्यू ये होना चाहिए था और एक्चुअल b का वैल्यू ये होना चाहिए था, बट आपके सॉल्यूशन के हिसाब से एक्चुअल m का वैल्यू ये होगा और आपके एक्चुअल b का वैल्यू ये होगा, तो ऑब्वियसली उतना अच्छा मॉडल परफॉर्म नहीं कर रहा। तो इस तरह की सिचुएशन में बैच ग्रेडिएंट डिसेंट बहुत खराब होता है क्योंकि वो बहुत स्मूथ तरीके से सॉल्यूशन पे जाके रुक जाता है। बट आपका जो ये है स्टोकैस्टिक ग्रेडिएंट डिसेंट, ये इस तरह के सिनेरियोज में सही है क्योंकि इसका बिहेवियर कुछ इस तरीके से है। तो हो सकता है कि आपका लोकल मिनिमा में घुस करके ये बाहर निकल जाए क्योंकि इसके पास काइंड ऑफ वो वेलोसिटी है, वो मोमेंटम है जिससे वो जंप्स लेता है। ठीक है, क्योंकि रैंडम है सब कुछ तो ये जंप्स लेता है और उस जंप की वजह से हो सकता है ये इस लोकल मिनिमा से बाहर निकल जाए और फिर सर्च करते करते यहां तक पहुंच जाए।
ये काम आपका बैच एसजीडी नहीं कर पाएगा, बैच ग्रेडियंट डिसेंट नहीं कर पाएगा, ये काम आप स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट से ही करवा सकते हो। ऑब्वियसली आपको लर्निंग रेट को केयरफुली मॉनिटर करना पड़ेगा, तभी आप ये काम कर पाओगे। बट यस, ये एक बहुत इम्पॉसिबल चीज करके दे सकता है आपको, और वो ये है कि ये लोकल मिनिमा से निकल करके ग्लोबल मिनिमा तक पहुंच पाता है। ठीक है, तो ये दो केसेस हैं जहां पे बैच ग्रेडियंट डिसेंट बहुत यूजफुल है, बड़ा डेटा, और सेकंड नॉन कॉन्वेक्स फंक्शंस। सो गाइज, स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट में एक प्रॉब्लम और है, और वो प्रॉब्लम ये है कि भले ही बहुत रैंडम तरीके से आप सॉल्यूशन के पास कन्वर्ज करते हो, बट सॉल्यूशन के बहुत पास आने के बाद भी बिकॉज ऑफ द रैंडमनेस इन्वॉल्व्ड आपका जो सॉल्यूशन है वो बहुत फ्लक्चुएट करता है। ठीक है, यू कैन सी हम ऑलरेडी सही सॉल्यूशन के आसपास हैं, बट स्टिल दिस मेथड विल फ्लक्चुएट, मतलब और फ्लक्चुएट करके कहाँ जाएगा उसका आइडिया नहीं होता है। ठीक है, एंड दिस इज नॉट अ गुड थिंग। मतलब जैसे जैसे आप पास आओ आपके सॉल्यूशन के, आपका ये फ्लक्चुएशन घटना चाहिए सो दैट आप पास रहो ऑप्टिमल सॉल्यूशन के। ठीक है, तो ये एक परेशानी है स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट में, और इसको सॉल्व करने के लिए एक कॉन्सेप्ट यूज होता है जिसको बोलते हैं लर्निंग शेड्यूल। सो लर्निंग शेड्यूल इज अ कॉन्सेप्ट जहां पे आप एक चीज करते हो, और वो चीज ये है कि आप अपने लर्निंग रेट को वैरी करते हो। अभी तक आपने जितना भी ग्रेडियंट डिसेंट में पढ़ा होगा, आपने नोटिस किया होगा कि थ्रू आउट सारे ईपॉक्स में आपका लर्निंग रेट इज कॉन्स्टेंट, बट अगर आप चाहो तो आप उसको वैरी भी कर सकते हो। इनफैक्ट आई विल शो यू, यहाँ पर मैंने एक फंक्शन बनाया है, इट्स कॉल्ड लर्निंग रेट। इसमें आप एक इनपुट देते हो टी बोल के, यू गिव दिस इनपुट टी, और आप रिटर्न करते हो ये चीज। अब टी नॉट का वैल्यू 5 है और टी 1 का वैल्यू 50 है, तो टी के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका लर्निंग रेट क्या होगा, और टी आपको कैसे मिलेगा, टी आपको ये है। सो ये आप कैलकुलेट करते हो, आई इज बेसिकली द करेंट ईपॉक, एक्स डॉट शेप का 0, बेसिकली आपके पास कितने नंबर ऑफ रोज हैं, और जे अंदर वाले लूप का करेंट आइटम। सो इन अ वे मैं क्या कर रहा हूं, मैं लर्निंग रेट को एक फंक्शन बना रहा हूं आई का, और आई क्या है, ईपॉक। सो मैं लर्निंग रेट को ईपॉक का फंक्शन बना रहा हूं, मतलब जैसे जैसे ईपॉक चेंज होगा लर्निंग रेट चेंज होगा। सो अगर आप इसको थोड़ा सा ट्राई करो, मैंने इसके ऊपर एक कोड लिखा भी था कि अगर मान लो आपका एन इज 100, मतलब आपके पास नंबर ऑफ रोज 100 है, और अगर आपका ईपॉक मान लो फिलहाल 1 है, ठीक है, मैंने 1 के लिए ट्राई किया था, तो यू वुड सी कि जब ये स्टार्ट होगा ये पूरा प्रोसेस, तो आपका पहला लर्निंग रेट जो होगा दैट विल बी 0.1। यू कैन इजिली कैलकुलेट दैट, आई 0 होगा, जे 0 होगा, तो बेसिकली टी नॉट डिवाइडेड बाई टी 1 होगा, 5 डिवाइडेड बाई 50 विड बी 0.1। ठीक है, और जब ये लूप पूरा खत्म होगा 100 टाइम्स घूमने के बाद, तो जो LR होगा लर्निंग रेट वो होगा 0.03। सो यू कैन सी जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो आपका लर्निंग रेट घट रहा है, और जब जब आपका लर्निंग रेट घटेगा आपका ये जो फ्लक्चुएशन होता है, ये जो फ्लक्चुएशन होता है वो थोड़ा सा स्टेबलाइज करने लग जाता है विथ डिक्रीज्ड लर्निंग रेट। ठीक है, तो इस तरह के आप बहुत सारे फंक्शंस बना सकते हो, बहुत सारे फंक्शंस होते भी हैं, ये बहुत सिंपल फंक्शन है, बट अगर मैंने ये अप्लाई करके देखा था, ये नोटबुक में आपके साथ शेयर कर दूंगा, वहां पे जैसे ही मैंने ये लगाया मेरा रिजल्ट थोड़ा और इम्प्रूव कर गया स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट में। तो लर्निंग शेड्यूल इज अ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, यहाँ पे उतना यूज नहीं होता लीनियर रिग्रेशन में जितना आपका डीप लर्निंग में यूज होता है, बट या नेवरदलेस आपको ये पता होना चाहिए कि लर्निंग शेड्यूल्स किसको बोलते हैं। इन शॉर्ट, लर्निंग शेड्यूल्स मतलब आप अपने लर्निंग रेट को वैरी करते हो विथ ईपॉक्स, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो आप आपका लर्निंग रेट को घटाते जाते हो। ठीक है, सो दैट थोड़ा सा स्टेबल आए, फ्लक्चुएशंस ना हो। ओके ओके, सो अब एक लास्ट चीज कर रहे हैं, scikit-learn में स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट का एक इम्प्लीमेंटेशन है, देयर इज अ क्लास कॉल्ड एसजीडी रिग्रेसर, मैं वो आपको एक बार चला के दिखाता हूँ। सो गाइज, दिस इज द क्लास दैट आई वॉज टॉकिंग अबाउट, एसजीडी रिग्रेसर, बहुत ही काम की क्लास है, और इसमें इंटरनली स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट इम्प्लीमेंटेड है। इस क्लास की अच्छी बात यह है कि ये अलग अलग टाइप के लॉस फंक्शंस के ऊपर काम कर सकता है। सो यहाँ पे अलग अलग लॉस फंक्शंस आप रख सकते हो, स्क्वायर्ड लॉस वही है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, सो यू कैन ऑल्सो हैव हूबर लॉस,
एप्साइलाइन इनसेंसिटिव स्क्वाड, एप्साइलाइन इनसेंसिटिव बेसिकली आप यहाँ पे SVM का जो रिग्रेसर है, सपोर्ट वेक्टर मशीन का जो रिग्रेसर है, वो भी आप इस क्लास के थ्रू इंप्लीमेंट कर सकते हो। ये सब हम थोड़ा डिस्कस करेंगे, बस मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि ये क्लास थोड़ा जनरल सॉर्ट ऑफ क्लास है जो अलग अलग मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स के ऊपर ग्रेडियंट डिसेंट अप्लाई कर सकता है, बिकॉज एट द एंड ग्रेडियंट डिसेंट इज नथिंग बट आपके लॉस फंक्शन को मिनिमाइज करके पैरामीटर्स का वैल्यू निकालना। तो अगर आप अलग अलग लॉस दोगे तो अलग अलग आपका सॉल्यूशन निकल जाता है। तो ये थोड़ा फ्लेक्सिबल सा क्लास है, इट्स नॉट ओनली फॉर लीनियर रिग्रेशन, इट कैन ऑल्सो वर्क फॉर अदर एल्गोरिदम्स, दिस इज व्हाट आई वाज सेइंग, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आप पेनल्टी एज इन रेगुलराइजेशन अप्लाई कर सकते हो। हमने अभी तक रेगुलराइजेशन पढ़ा नहीं है, हम पढ़ेंगे उसके बारे में। ये अल्फा रेगुलराइजेशन से रिलेटेड होता है, L1 रेशो, ये सब रेगुलराइजेशन से रिलेटेड होता है। मैक्स आइटरेशन इज ईपॉक्स, आप कितने ईपॉक्स चलाना चाहते हो। टॉलरेंस इज बेसिकली आपका कितना आप अगर रोकना चाहते हो पहले ही, मतलब यू डोंट वांट कि 1000 ईपॉक्स तक चलते रहे, अगर पहले ही आपको बेस्ट सॉल्यूशन मिल रहा है तो पहले ही रुक जाए, उसके लिए आप टॉलरेंस यूज करते हो कि अगर आपका पिछला पैरामीटर का वैल्यू और आइटरेशन के बाद वाले पैरामीटर के वैल्यू का डिफरेंस अगर इससे भी कम है तो आप और आगे काम नहीं करोगे, उधर ही रुक जाओगे, इसका मतलब आपके पैरामीटर्स और इम्प्रूव नहीं कर रहे हैं, ठीक है। शफल, अगेन डेटा को शफल करने के लिए सो दैट रैंडमनेस बढ़े। एप्साइलॉन इज दिस इज रिलेटेड टू सम अदर लॉस फंक्शन, हमें इससे मतलब नहीं है। रैंडम स्टेट, मैंने आपको बताया था कि हर बार आप जब भी स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट अप्लाई करोगे आपका आंसर चेंज होता रहेगा। अगर आप रैंडम स्टेट फिक्स कर दो तो एटलीस्ट एक पर्टिकुलर रैंडम स्टेट वैल्यू के लिए आपका रिजल्ट ये आएगा, कंसिस्टेंट आएगा, ठीक है। लर्निंग रेट, यहाँ पे आप अलग अलग स्ट्रैटेजीज यूज कर सकते हो। द फर्स्ट वन इज कॉन्स्टेंट, जहाँ पे आपका लर्निंग रेट बिल्कुल भी वैरी नहीं करेगा, पहले से लेके लास्ट ईपॉक तक लर्निंग रेट सेम रहेगा। सेकेंड इज ऑप्टिमल एंड इनवर्स स्केलिंग, और फिर अडेप्टिव। ये तीन टेक्निक्स हैं आपका लर्निंग शेड्यूल इम्प्लीमेंट करने के लिए, इसके बारे में हम अभी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। ईटा जीरो इज बेसिकली योर लर्निंग रेट का इनिशियल वैल्यू, अगर आप कांस्टेंट लेके चलोगे तो थ्रू आउट ईटा नॉट का वैल्यू विल बी कांस्टेंट, अगर आप बाकी दोनों लेके चलोगे तो आपका लर्निंग रेट का वैल्यू विल वैरी, ठीक है। पावर्टी इज अगेन रिलेटेड टू आई गेस इनवर्स स्केलिंग वाला स्ट्रैटेजी। अर्ली स्टॉपिंग ट्रू रखने पे आपका ये टॉलरेंस वाला चीज पिक्चर में आएगा, और अगर पहले ही आपका मॉडल स्टेबलाइज कर रहा है तो आप वहीं पे रुक जाते हो। उसके बाद की चीजें कुछ खास नहीं है, ठीक है। सो मैंने क्या किया, मैंने यही क्लास इंप्लीमेंट किया यहाँ पे, ठीक है, और ये पैरामीटर्स मैंने सेट किए। मैक्स आइटरेशन एज इन ईपॉक्स 100, लर्निंग रेट कांस्टेंट, ईटा 0 = 0.01, और इसको मैंने रन किया, मॉडल को ट्रेन किया और फिर प्रिडिक्शन किया, तो दिस वॉज द आउटकम दैट आई वॉज गेटिंग, ठीक है। सो यहाँ पे 100 ईपॉक्स चलाना पड़ा। हमने जो क्लास बनाया था वो 40 ईपॉक्स में ही हमें अराउंड 0.42 का आर2 स्कोर दे रहा था। अब ये डिफरेंस इसलिए है क्योंकि इस क्लास के अंदर जो कोड लिखा हुआ है वो डिफरेंट है फ्रॉम व्हाट वी हैव रिटन ओवर हियर, बट समहाउ इस पर्टिकुलर डेटा सेट पे हमारा ही रिजल्ट थोड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कम ईपॉक्स में हम कन्वर्ज कर पा रहे हैं। अब मुझे थोड़ा देखना पड़ेगा कि इसके पीछे का कोड क्या है, बट जो भी है, मतलब दिस इज द क्लास दैट यू विल यूज, मतलब ऑब्वियसली आप अपना बनाया हुआ क्लास यूज नहीं करते हो, हमने बनाया इसलिए था सो दैट आपको आइडिया मिले कि कैसे पूरी चीज काम कर रही है। बट आप मोस्टली जब भी ग्रेडियंट डिसेंट अप्लाई करोगे वाइल यूजिंग लीनियर रिग्रेशन, आप ये SGD रिग्रेसर क्लास यूज करते हो, ठीक है। तो ये बस मैंने आपको चला के दिखा दिया। अब आप क्या करो, आप कोई डेटा सेट उठाओ और उसके ऊपर SGD रिग्रेसर लगाओ, पैरामीटर्स का वैल्यू चेंज करो, ईपॉक्स वगैरह चेंज करो एंड प्ले विथ इट। मशीन लर्निंग इज ऑल अबाउट परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट्स, जितने एक्सपेरिमेंट्स आप परफॉर्म करोगे उतना ज्यादा नॉलेज आपको होता जाएगा, ठीक है। सो दैट वॉज स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट गाइस, आई होप यू लाइक द वीडियो। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट, विच विल बी द लास्ट टाइप ऑफ ग्रेडियंट डिसेंट दैट वी विल डिस्कस, और फिर हम उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।